आपके अवेसी साहब हैदराबाद में चार मस्जिद नहीं संभाल सके, वो क्या हक दिलाएंगे लोगों को? तो तुम सिटी में आप तेलंगाना के अंदर 7 सीट पे लड़ते हो और दूसरे स्टेटों में जाके दलाली कर रहे हो, अपने स्टेट में तेलंगाना में जहाँ पर में आप 7 सीट पे लड़ते हो, इसका जवाब होल सिटी का डेवलपमेंट, इसका जवाब वहाँ पे जो मस्जिद गैराबाद है उसका, तुम देख रहे हो ना डेवलपमेंट, ये 7 सीट का ही नतीजा है जो इतना डेवलपमेंट है। और 7 सीट भी ना होती और न्यू सिटी पूरा हैदराबाद सुन रहे हो, सब लोग गालियां दे रहे हैं, अंबरपेट की मस्जिद, दारू सलाम बैंक से सूद, आसरा हॉस्पिटल में 500 रुपए में डिलीवरी होती, बोलते आप अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे के बोले बात, वहां पर में 1.25 लाख के बिल बनते। बिहार में यासिर अरफात और अहमद पाशा कादरी ने अल्लाह को गवाह रख के बोले थे हम 500 रुपए में डिलीवरी करते, ये झूठ। ओल्ड सिटी के अंदर में ओल्ड सिटी के रोड देखो, न्यू सिटी देखो, 25 साल में न्यू सिटी आसमान छू रही, ओल्ड सिटी में आप लोग गरीबों को लूट दिए, 1,33,000 एकड़ वफ प्रॉपर्टी, मुस्लिम की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू मिनिमम 5 लाख करोड़ है। सेक्रेटरीट की मस्जिद पे अवेसी साहब खामोश, अंबरपेट की मस्जिद पे खामोश, चार मीनार पे मंदिर बन गया मस्जिद गैराबाद, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, मस्जिद अपनी गैराबाद है। चलो मैनिफेस्टो की स्पेलिंग बताओ सर, बीपी क्यों बढ़ गया है मेरा? हाँ मैनिफेस्टो की स्पेलिंग बताओ सर, मैं तो जाहिर अनपढ़ आदमी हूँ ना सर, इसीलिए तो फोन लगाया आपको। मैनिफेस्टो की स्पेलिंग तो बता दो मेरे लाल। आप एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलो। सैयद आसिम वकार साहब राइट? हाँ बोल रहा हूँ, बताओ बेटा। पारिस कादरी बोल रहा हूँ सर, फोन मत कट करना, भाग जाते हैं चोर लोग, ईमानदार जो रहते हैं वो बात कर लेते हैं। नहीं, चोर जो होते हैं वो टेप करते हैं आवाज, और ईमानदार जो है वो फेस टू फेस बात करते हैं। तो फेस टू फेस बात करने की आपके अवेसी साहब में भी हिम्मत नहीं थी साहब? आइए मेरे घर पे आइए। कहाँ पर आऊँ, 2 मिनट बात कर लो, चोर होंगे अगर आप तो आप फोन कट कर देंगे। चलिए आप चोर मान लीजिए, डाकू मान लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपको सिखाया लग रहा है, आपको कोई सिखाता नहीं है, डर बहुत लग रहा है, फालतू बहस कर रहे। मैं 2 सवाल पूछना चाह रहा हूँ भाई, बिल्कुल पूछना चाह रहा हूँ सब आपसे। चार पूछो भाई, चार। यूपी इलेक्शन है, बिल्कुल है, 100 सीट पे अवेसी साहब लड़ रहे हैं, 403 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। मैं आपसे 100 सीट से सवाल पूछ रहा हूँ पहले, 403 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। मैं मुसलमानों की हक की सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हम देश की बात मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि आप 100 पे नहीं, आप भी 403 पे लड़ी आई सपोर्टेड सर, हम पूरे देश की बात करते हैं। हाँ तो 100 सीट पे अब तक मुसलमानों का क्या बेनिफिट है उसमें, ये बताइए, 100 सीट पे अगर आप लड़के जीत रहे हो तो मुसलमानों का बेनिफिट क्या है, कितनी सीट अगर आपकी आई तो? अभी तक मुसलमानों को क्या बेनिफिट हुआ? नहीं, आप अगर यूपी के अंदर में आप 100 में से 99 सीट अगर जीत गए आप, तो मुसलमानों को आप क्या दोगे? पहले जिताओ उसके बाद देखो क्या देते। नहीं क्या दोगे वो नहीं, मैनिफेस्टो क्या है आपका? नहीं अपील करो पहले, वो मैनिफेस्टो बोल दिया। मैं आपके सामने यूपी आके लोगों से भीख मांग के अल्लाह का वास्ता दे के MIM सुनेगा कौन यार, तुम क्या हो जी, कौन सुनेगा तुम्हारी, तुम्हारे मोहल्ले के तो लोग तो तुम्हारी सुनते नहीं। नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुनता है सर। मैं नहीं, चलो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं छोटा सा गरीब बच्चा हूँ, मेरा टेंशन मत लो। आप बताओ मुसलमानों के हक के लिए आप क्या करोगे? हम जो करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं, प्लीज सर, एक छोटा सा एक डेमो दे दो बस मेरे को आप। नहीं क्यों दे दो, तुम कौन हो भाई मेरे? सर आम आदमी सवाल पूछने का, उत्तर प्रदेश का आदमी पूछेगा तो बिल्कुल बताऊंगा। तो सर मैं आम आदमी हूँ ना, मैं सेक्युलर हूँ, मैं तो हर किसी से सवाल करा, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस के गढ़ में रह के आरएसएस वालों को पूछता हूँ। तुम आम आदमी नहीं हो, तुम आम आदमी नहीं हो सर। पारिस कादरी एक आम आदमी, इंडिपेंडेंट हूँ। उत्तर प्रदेश के लोगों को पूछने दो। नहीं, उत्तर प्रदेश वाले पूछेंगे जब महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो महाराष्ट्र में पूछना। आपके अवेसी साहब हैदराबाद में चार मस्जिद नहीं संभाल सके, वो क्या हक दिलाएंगे लोगों को? तो तुम समझो, ओल्ड सिटी में आप तेलंगाना के अंदर 7 सीट पे लड़ते हो और दूसरे स्टेटों में जाके दलाली कर रहे हो, अपने स्टेट में तेलंगाना में जहाँ पर में आप 7 सीट पे लड़ते हो, इसका जवाब ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट, इसका जवाब वहाँ पे जो मस्जिद गैराबाद है उसका, जो तुम देख रहे हो ना डेवलपमेंट, ये 7 सीट का ही नतीजा है जो इतना डेवलपमेंट है। और 7 सीट भी ना होती और न्यू सिटी पूरा हैदराबाद सुन रहे हो, सब लोग गालियां दे रहे हैं आपको, लाइफ चल रहा है, खूब गाली बकाओ मेरे लाल, लाइफ चल रहा है, चेक कर लो आप, हैदराबाद गालियां दे रहे हैं आपको, ओल्ड सिटी में जाकर देखो, सेक्रेटरीट की मस्जिद पे अवेसी साहब खामोश, अंबरपेट की मस्जिद पे खामोश, चार मीनार पे मंदिर बन गया मस्जिद गैराबाद, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, मस्जिद अपनी गैराबाद है। कब बना था चार मीनार पे मंदिर? चार मीनार पे मस्जिद था या नहीं था? नहीं, कितने साल हो गए मंदिर बने हुए सर? मैं मंदिर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप ये कंट्रोवर्सी बातें कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ मस्जिद है लेकिन मस्जिद गैराबाद है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी मशवरा सुनो, नहीं मशवरा नहीं, मस्जिद गैराबाद सुनो। यूपी में मुसलमानों को क्या देंगे आप जो तेलंगाना में कुछ नहीं दे सके?
मेरे लाख तो मुझे मशवरा दे सकते हैं, मेरा सवाल करने का अधिकार नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम चार नार जाओ हाँ? और जो मंदिर है ना वहाँ खड़े हो जाओ ठीक हाँ? है ना, और वहाँ जाके नारे लगाओ। यस तो आपकी हिम्मत नहीं है, आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है क्या वहाँ पे जाके नमाज पढ़ने की? चार मीनार पे मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ मंदिर तोड़ो, वो उनकी पूजा कर ले रहे, कर लेने दो उनकी जिगर है। जब तुम मंदिर के खिलाफ नहीं हो तो भी मंदिर के खिलाफ भड़काते क्यों लोगों को? मैं क्या भड़का रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपकी मस्जिद गहराबाद क्यों है? बाबरी मस्जिद पे तुम लोग भड़काए हो ना, बाबरी मस्जिद पूरा हिंदुस्तान पे तुम लोग सियासत कर रहे हो ना, अपने घर की मस्जिद नहीं दिखी आपको? पहले तो अपनी बदतमीजी से बात मत करो, ठीक से बात करो, अच्छी बात रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब टेप कर लिया बस, अब रखूं? नहीं रखो मत, मेरे सवाल का जवाब दो आप। मैंने दिया तो सवाल का जवाब तुम्हारे, तुम सवाल सुनी नहीं रहा, हैदराबाद जाओ, हैदराबाद में चार मीनार जाकर सुनो, चार मीनार जाकर मस्जिद कब बनती सर? नहीं नहीं, अपने अब्बा को भी लेके जाओ, पापा को भी लेके जाओ, चार मीनार से जो मंदिर है ना सर, कौन सी सेक्रेटेट की मस्जिद हैदराबाद में अवेसी साहब के घर के 2 किलोमीटर दूर सेक्रेटेट की मस्जिद, बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत जल्दी। कब? 3 साल हो गए, बहुत जल्दी, कभी एक स्टेटमेंट नहीं आया आप लोगों का? नहीं बहुत जल्दी, वो तो अकबर भाई बोले। मस्जिद 2 साल हो गया, सैकड़ों मस्जिद गहराबाद, 1000 प्रूफ देता हूँ मैं आपको। नहीं तुम 2000 प्रूफ भी दे सकते हो, और यूपी में जाके 100 सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हो, मैनिफेस्टो क्या है आपका? हम 403 पे हैं या 4 पे हैं, मैनिफेस्टो क्या है आपका? मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश वाले पूछेंगे तब बताऊंगा, तुम्हें क्या बताऊंगा, तुम क्या हो भाई? ये पूरा इंडिया सुन रहा है, इतना मैनिफेस्टो की स्पेलिंग बताओ आपका बीपी क्यों? चलो मैनिफेस्टो की स्पेलिंग बताओ सर, बीपी क्यों बढ़ गया है मेरा? हाँ मैनिफेस्टो की स्पेलिंग बताओ सर। मैं तो जाहिल अनपढ़ आदमी हूँ ना सर, इसीलिए तो फोन लगाया आपको। मैनिफेस्टो की स्पेलिंग तो बता दो सर, आप एक मिनट सर, एक पर्सनल सवाल ये करना चाह रहा था मैं आपसे, आप सुन्नीज़म को फॉलो करते क्या, किस मसलक को? इस्लामिज़म को। इस्लामिज़म को ना, तो इस्लाम में सर 5 कलमे आए कुरान में, आप 5 कलमे सुना दो मेरे को, सवाब का काम है, पूरी जनता सुनेंगी। अच्छा और क्या सुनाना है? सिर्फ 5 कलमे नहीं, और सुनाना क्या? नहीं, बताओ नहीं, तो 5 कलमे सुना दो मुसलमानों के ऊपर, में 5 कलमे फर्ज है, सुना दो नहीं तो मैं सुना दूंगा। तुम हो नॉनसेंस आदमी, मैंने तुमसे इतनी देर बात कर ली, मुझे पहले ही मालूम था तुम्हारा फोन आने वाला है मेरे, मैं चाहता तो तुम्हारा फोन काट भी सकता था। नहीं आपको, लेकिन मैंने जानबूझ तुम्हारा फोन उठाया, सुनो कलमा का नाम सुन के, बिल्कुल गैर मुस्लिम है ना हम लोग, आपके मुंह से मुसलमान सवाब मिलेगा ना। अच्छा और कुछ पूछना सर? इतनी दलाली मत करो, आप तो कर रहे हैं, बताओ क्या करा जाए? आप कितने पैसे खाओगे? नेशनल मीडिया बड़े से बड़े लीडर को प्लेटफॉर्म नहीं देती, आप जैसे चिल्लर पार्टी को जो कोने में हैदराबाद में उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देती है नेशनल मीडिया, जो गोदी मीडिया है पूरी। चलो अब तुम्हारा काम हो गया, आप गोदी की गोद में बैठे हो, गोदी हाथी मकान का जवाब दो सर। आप इतने बड़े सारे बड़े बड़े एंकर से डिबेट कर रहे हैं, अभी तक मैं बच्चा हूँ, छोटा सा 20 साल उम्र है मेरी, आपके सामने बच्चा ही हूँ। चलो और हो गया तुम्हारा काम, और कुछ करना है? नहीं सकते सेक्रेटेट की मस्जिद, हम्बरपेट की मस्जिद, दारुसलाम बैंक से सूद, आसरा हॉस्पिटल में 500 रुपए में डिलीवरी होती है, बोलते आप अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दे के बोले बात, वहां पर मैं 1.25 लाख के बिल बनते। बिहार में यासिर अरफात और अहमद पाशा कादरी ने अल्लाह को गवाह रख के बोले थे हम 500 रुपए में डिलीवरी करते, ये झूठ। ओल्ड सिटी के अंदर में, ओल्ड सिटी के रोड देखो, न्यू सिटी देखो, 25 साल में न्यू सिटी आसमान चूरी, ओल्ड सिटी में आप लोग गरीबों को लूट दिए, 1,33,000 एकड़ वफ प्रॉपर्टी, मुस्लिम की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू मिनिमम 5 लाख करोड़ है,